हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जितनी वैकेंसी है, टीचर्स की जितनी भी रिक्रूटमेंट है, उनसे संबंधित जानकारियों से अपडेट बनाए रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं काम की बात करता हूँ। एक टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ को लेकर काफ़ी डिमांड हो रही थी। कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ मैं चाहता था कि कट ऑफ मैं आपको बिल्कुल सटीक से दे पाऊँ, सही से दे पाऊँ, जो एक्यूरेट साबित हो और आप अपने आप को सही से एवेल्यूट कर पाएँ। तो मैंने काफ़ी स्टडी के बाद मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आया हूँ टीजीटी साइंस की। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिन पर कट ऑफ डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कट ऑफ जो डिपेंड करती है, सबसे पहले जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मैं आपको बता दूँ, अभी 11 मार्च 2019 को एक लेटर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 5 जून 2016 को जो पद विज्ञापन में दिए गए थे, है ना, जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने फॉर्म भरे थे, 17/8/2018 के अनुपालन में कुछ शिक्षकों को समायोजित किया गया और उन समायोजित शिक्षकों को उपरोक्त विज्ञापन में से ही पद आवंटित कर दिए गए। अर्थात ये पद अब कम हो गए, रिक्तियों की संख्या पहले से कम हो गई है। अच्छा, 8 विषय ऐसे भी थे जिन्हें पाठ्यचर्या से समाप्त करने के कारण उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। तो मैं सारी डिटेल्स ना शेयर करते हुए, चूँकि ये साइंस का चैनल है, केमिस्ट्री का चैनल है, स्पेशली विज्ञान का चैनल है, तो मैं अब तो मेन मेन बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ ये पीजीटी की, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको हल्की सी। भौतिक विज्ञान में पहले जो टोटल पद थे वो 76 थे, अब ये घटने के बाद 74 रह गए हैं, 2 पदों की कमी हुई है। सामान्य में तो सामान्य के 2 पद पहले से कम हो गए हैं। रसायन विज्ञान में पहले 43 पद थे, अब रसायन विज्ञान में 43 की जगह 41 सामान्य के पद रह गए हैं, यानी कुल 89 में से 84 पद रह गए हैं, 5 पद कम हो गए हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में 36 में से 57 पद जो पहले थे, अब 57 की जगह 54 है, 3 पद कम हो गए हैं। इसी प्रकार गणित में 59 पद पहले थे, 59 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे प्रवक्ता, ये पीजीटी की बात अभी आपसे चल रही थी जो फरवरी 2016 का विज्ञापन था। पीजीटी में ही मैं बालिका वर्ग में बात करूंगा कि फिजिक्स में पहले 4 पद थे, अब वहाँ पर 3 पद रह गए हैं, 1 पद कम हो गया है। रसायन विज्ञान में पहले 5 पद थे बालिका वर्ग में पीजीटी, अब 5 के 5 ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। जीव विज्ञान में पहले 5 थे, अभी 5 है, कोई चेंज नहीं है। गणित में 4 थे, 2 पद यहाँ भी बालिका वर्ग में पीजीटी, गणित के 2 पद कम हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगली आपके बात करता हूँ। अब जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, हमारा मेन एग्ज़ाम है टीजीटी साइंस, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें मैं 3 पदों की चर्चा करूँगा। सबसे पहले विज्ञान, विज्ञान में पहले कुल पदों की संख्या 1043 थी, है ना, 548 सामान्य के थे, 284 पद पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के 207, अनुसूचित जनजाति के 4, टोटल 1043 पद टीजीटी साइंस के थे। अब ये संख्या घटकर 1026 रह गई है, यानी सामान्य के पद भी घटे हैं, ओबीसी के पद भी घटे हैं, अनुसूचित जाति के पद भी घटे हैं, जनजाति के पद नहीं घटे, तो यहाँ काफ़ी कमी हुई है पदों में। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो पहले ये जो पद थे हमारे 292 पद थे, और जीव विज्ञान को अलग विषय जो है बोर्ड ने नहीं माना है, तो जीव विज्ञान के समस्त पदों को ही समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार गणित में पहले 1117 पद थे, तो सामान्य के, ओबीसी के और एससी के सारे पदों की संख्या में कमी हुई है, 1117 से घटकर 1101 पद रह गए हैं। ये टीजीटी स्नातक, मैं बात कर रहा था अभी आपसे बालक वर्ग की, अब टीजीटी स्नातक मैं बालिका वर्ग की आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारी बहनें भी सब्सक्राइबर चैनल से जुड़ी हुई हैं जो साइंस की बारे में जानकारी चाहती हैं। तो विज्ञान टीजीटी साइंस महिला वर्ग जो 44 पद सामान्य के थे, 27 पिछड़ी जाति के थे, अनुसूचित जाति के 26 थे, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं था, टोटल 97 पद थे या 94 रह गए हैं, 3 पद कम हो गए हैं। जीव विज्ञान को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, ये 12 पद बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं। गणित में जो आपके 78 पद थे वो 77 रह गए हैं, तो ये पदों की संख्या में काफ़ी कमी हुई है, जो पहला फैक्टर था। अगर हम पूरा ओवरऑल देखना चाहें तो प्रवक्ता वर्ग में टोटल 54 पद कम हो गए हैं। 54 पद का मतलब 54 पद यहाँ कम हुए हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें टीजीटी की, तो यहाँ पर टीजीटी में तो टोटल मिला के 468 पद समाप्त किए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, है ना। एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो 468 का मतलब हो गया 1200 6 18 1380, नहीं 1404 अभ्यर्थी वंचित हो गए, परीक्षा में नहीं आ पाएंगे, यानी 14
104 अभ्यर्थी, इतने और ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाता, मौका मिलता इंटरव्यू के लिए, अगर ये पद समाप्त तो नहीं हुए होते। अब मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, कट ऑफ कैसे डिसाइड होने वाली है, कट ऑफ कैसे तैयार की गई, किस बेस पे मैंने तैयार की है और कट ऑफ रहने वाली क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने जो कुछ बहुत सारे साथी थे हमारे जिनके मैं संपर्क में था, जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम किए हैं, तो मैंने उनसे भी बात की, काफ़ी लोगों से बात की। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ लोगों ने अपने नंबर शेयर किए, बहुत से लोगों ने नंबर शेयर नहीं किए, अगर शेयर करते तो शायद मैं कुछ ज़्यादा सटीक और सटीक दे पाता। वैसे ये 99.99% ये कट ऑफ सटीक रहने वाली है। तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप जानते हो कि 85% मार्क्स का तो वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होना ही होना है, 10% मार्क्स जो 10% 85% पॉइंट जो है रिटन एग्जामिनेशन के हैं, 10% मार्क्स जो होते हैं या पॉइंट हम कह सकते हैं ये इंटरव्यू के होते हैं, अब 5% फॉर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, पीएचडी डिफिल वालों को 2% मिलते हैं, है ना, एमएड वालों को 2% मिलते हैं, पीएचडी डिफिल वालों को 2% मिलता है पाँच में से, एमएड वालों को 2% मिलता है इसमें से पाँच में से, और बीएड वालों को 1% मिलता है। किसी बंदे ने अगर एमएड कर रखा है तो उसे एमएड के 2% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बीएड वाला फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो टोटल 5% का ये वेटेज भी होता है। तो इसके बेस पे तो नंबर एक वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई, नंबर दो कैंडिडेट्स, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर अपीयर्ड, तो लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन में आए थे। अलग से चूंकि मैं टीजीटी साइंस की बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक मुझे साइंस में नहीं पता कितने अपीयर हुए, लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की उनमें बहुत कम ही मुझे ऐसे मिले जिन्होंने 100 के आंकड़े को पार किया है, मतलब उन्होंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस 125 में सही कर पाए हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिसाइड कैसे होने वाली है। बालक वर्ग में टीजीटी साइंस की बात हो रही है, यूपी टीजीटी साइंस 2019 है, एडवर्टाइज नंबर मेन नंबर जनवरी 2016, बालक वर्ग की बात कर रहा हूँ। सामान्य जाति में कुल 537 पद हैं, तो इसके सापेक्ष 3 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, अर्थात 1611 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक और मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि कुछ लोग अभी ये भी चल रहा है कि भैया TGTU में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, तो ये अभी 13 फरवरी 2019 को पेपर में आया था, ऐसा प्रस्ताव बन गया है कि TGTU में अब इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको बता दूं ये व्यवस्था इस वाली भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होने वाली है, तो आपको अभी तो इंटरव्यू देना ही है, है ना। नेक्स्ट एग्जामिनेशन हो सकता है आपका सिलेक्शन अच्छा गॉड करके इसी में हो जाए, अगर अगली बार आप अपीयर हुए तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, TGTU में रिटर्न के बाद डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो बहरहाल इसमें इंटरव्यू आपको देना है, ठीक है, इंटरव्यू को TGTU से समाप्त कर दिया गया है लेकिन वो अगली भर्तियों से प्रभावी होगा, इस भर्ती में तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो बालक वर्ग में कुल 1611 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाना है। यहाँ मेरा जो एनालिसिस, मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया है, काफ़ी समय तक किया है, मैंने यूट्यूब चैनल को भी वॉच किया है, फेसबुक को वॉच किया है, लोगों से पर्सनली कॉन्टैक्ट भी किया है, और जितने कुछ कम से कम 30 लोग तो मेरे संपर्क में ऐसे रहे जो जिन्हें मैं मित्रवत जानता हूँ, उनके लेवल को भी जानता हूँ कि वो कितने होशियार हैं, कितने कैसे कैसे एग्ज़ाम उनका होना चाहिए था और उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने ये जो कैलकुलेशन लगाई है, सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही कट ऑफ डाल रखी है, उन सबको भी मैंने स्टडी किया है, उनके लॉजिक्स को भी स्टडी किया है, वो किस बेस पे कर रहे हैं, तो सबका सॉल्यूशन निचोड़ निकालने के बाद मैं सबसे बाद में कट ऑफ जारी कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी कट ऑफ बिल्कुल सटीक रहे, कोई भी मेरा साथी भ्रमित ना हो। तो बालक वर्ग में 92 से 97 तक कट ऑफ आने वाली है, मतलब पहले से हम कह सकते हैं कुछ लो रहने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगी, 92 to 97। ये लो थोड़ा इसलिए नहीं हो रही है कि पेपर कठिन था, आसान था, बिकॉज द नंबर ऑफ वैकेंसीज 537, 3 टाइम्स कॉल किए जाने, तो ये 92 से 97 रहने वाली है। पिछड़ी जाति में 283 पद हैं, इसके 3 गुने अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, तो 849 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, तो यहाँ भी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, इसलिए 91 to 96 इसी रेंज में 100% रहेगी। अब देखिएगा इससे नीचे ऊपर थोड़ा बहुत ही हो सकती है, वैसे होने के चांस ज़्यादा नहीं है। अनुसूचित जाति की बात करूँ तो वहाँ 202 पद हैं, 3 गुने 606 अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, तो 87 से 92 के बीच यहाँ कट ऑफ रहने वाली है। ये मानिए अनुसूचित जनजाति में 4 पद हैं,
तो 3 गुणे 12 बारह बुलाए जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम होता है, तो 82 to 87 के बीच में कट ऑफ यहाँ भी रहने वाली है। अब मैं बालिका वर्ग की बात करूँ तो बालिका वर्ग में कहते हैं कट ऑफ लो रहती है, लो रहती है भैया, लो जाती है, और जितने चैनल्स पे मैंने देखा सभी लोग इसे लो बता रहे हैं, लो जाएगी लो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कट ऑफ लो बालिका वर्ग में जाने वाली नहीं है, बिकॉज वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई हैं, है ना। गर्ल्स कैंडिडेट तो हैं लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की वजह से जो कट ऑफ बालक वर्ग में जाने वाली है वही कट ऑफ बालिका वर्ग में जाएगी सामान्य जाति की, वही कट ऑफ बालिका वर्ग में जाएगी पिछड़ी जाति की, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप कंपेयर करो, बालक वर्ग में 1611 हैं, बालिका वर्ग में 126 को ही कॉल किया जाना है, बालक वर्ग में 849 ओबीसी में कॉल किए जाएंगे, जबकि बालक वर्ग में केवल 78 कॉल किए जाएंगे, तो ये भी कम रहने वाली नहीं है, 91 to 96 सेम रहने वाली है। एससी बालिका वर्ग में भी 78 कैंडिडेट्स को कॉल किया जा रहा है, जबकि बॉयज़ में 606 को कॉल किया जा रहा है, तो ये भी कट ऑफ सेम रहने वाली है, 87 to 92। मैं ऐसे आपसे कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है बॉयज़ और गर्ल्स की सेम रहनी है, कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रही है। आप इंटरव्यू की, अब जो एग्ज़ाम हो गया उसके बारे में ज़्यादा विचार ना करके इंटरव्यू की अपनी तैयारी करिए, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो भर्ती 2019 में आने वाली है, इसकी कोई सूचना आएगी मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको अपडेट तुरंत करा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, कोई नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आती है, इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कराऊंगा। अब लेकिन आप तैयारी लगातार करते रहिए, जीतते वही हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, विज्ञप्ति आने के बाद जो तैयारी करते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सफल होते हैं, तो प्लीज़ विज्ञप्ति नहीं भी आई है, कंटिन्यू रहिए मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहिए मैं चैनल पर आपको अपडेट देता रहूँगा, साथ साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराने में पूरी सहायता करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर सीइंग माई चैनल।